तुमने, तुमने झूठ बोला मुझसे, मुझे धोखा दिया। लेकिन अब तुम्हारा चेहरा खुलकर मेरे सामने, तुमने अपने चेहरे पर मासूमियत और शराफत का जो लबादा उड़ा हुआ था वो उतर गया है, उतर गया है। क्योंकि तुम जैसी लड़कियां किसी एक मर्द के साथ रह ही नहीं सकती। अगर तुमने सच मेरे बेटे से मोहब्बत की है ना, तो तुम चली जाओ उसकी जिंदगी से, उसकी जिंदगी बख्श दो। मैं तुमसे भी मांगती चली जाओ। तुमसे उस थप्पड़ का इंतकाम लेकर मैंने खुद को सजा दी। मैं सच में तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बोल रहा हूं तुमसे। मेरी जिंदगी में तुम्हारा क्या मुकाम था मैं नहीं जान पाया, और अब मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। मैं उसी वक्त तुम्हारे करीब आऊंगा जब तुम खुद मुझे पुकारोगे, जब तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए, जब तुम्हें मेरे जज्बात सच्चे लगने लगेंगे। अपना ख्याल रखना। हेलो नगीन, हेलो नगीन, तुम रो क्यों रही हो? इज एवरीथिंग ऑल राइट? नगीन मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? क्या हुआ? हारून ठीक है? हारून का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो कैसी कंडीशन है उसकी? हालत ज्यादा सीरियस तो नहीं है? वो पैरालाइज्ड है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ओह, अच्छा, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो ना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे मैं उठाऊंगा। इनफैक्ट उसे अगर कहीं बाहर ले जाने की जरूरत पड़ी तो मैं लेके जाऊंगा। ये सब कुछ मैं हारून या उसकी फैमिली के लिए नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शायद इसी तरह मेरे गुनाहों का कफारा हो जाए। तुम्हें मेरे जज्बों की, मेरी मोहब्बत की परवाह हो या ना हो, मुझे आज भी सिर्फ तुम्हारी ही परवाह है। मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ आज भी। हारून की फाइनेंशियल हेल्प भी मैंने तुम्हारी वजह से ही की थी। क्यों करते हो इतनी मोहब्बत मुझसे? ऐसा क्या है मुझमें? नगीन तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो तुम नहीं जानती हो। तुम एक बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो जो तुम्हें हारून जैसा आदमी कभी नहीं दे सकता। ठीक कह रहे हो, मैं वाकई हारून जैसे एक मामूली शख्स को डिजर्व नहीं करती थी। फिर से ही सही, मगर अब एहसास हो गया मुझे। हारून से शादी करना मेरी एक मजबूरी थी। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मुझे अपना घर, खानदान सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। हारून और उसके खानदान के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने उन्होंने कभी उसकी कदर नहीं की, कभी मेरी कुर्बानियों को नहीं समझा।
जब हारून अपने सेंसेस में ही नहीं रहा तो फिर उसके खानदान के साथ रहने का जवाब ही नहीं। मैंने फैसला कर लिया हारून को छोड़ने का। वाकई? नहीं, मेरा मतलब है तुम तो बहुत चाहती थी हारून को। वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते सुल्तान। बस इसी वक्त और हालात ने मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। तो ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं, हारून का भी यही फैसला है। रमशा ने तुम्हारे और मेरे मासी के ताल्लुकात के बारे में सब कुछ बता दिया था उसको। उसने उसी रात मुझे तलाक दे दी। What? हारून ने तुम्हें तलाक दे दी है? हाँ, हारून ने मुझे तलाक दे दी। अब उसके फौरन बाद तुम्हारे पास आ रहा है, लेकिन रास्ते में ये हादसा पेश आ गया और वो। अच्छा, I'm sorry यार, मेरी वजह से हारून तुमसे बदगुमान हो गया। I'm really sorry। कसूर तुम्हारा नहीं, मेरी किस्मत का। तो शायद मेरी किस्मत में ही लिख दिए गए। नगीन, तुमने भी तो हैदराबाद से जाके एक मामूली शख्स से शादी कर ली, वो तुम्हें कैसे खुश रख सकता था? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, दीवानों की तरह तुम्हें यहां से वहां ढूंढता रहा, तुम मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन अगर अब भी तुम्हें यह लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो ठीक है, मैं सजा काटने के लिए तैयार हूं। तुम जो चाहो मुझे सजा दो। मैं कौन होती हूँ किसी को भी सजा देने वाली। अच्छा नगीन, तुम अब फ्यूचर में क्या करोगी? आई मीन हारून ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम कैसे जिंदगी गुजारोगी, किसके सहारे रहोगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुल्तान। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्या आप मेरा हाथ थामेंगे? हाँ, मैं तुम कहो नगीन इस वक्त।